नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फील टू फीस्ट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज हम भिंडी लगाने वाले हैं। पिछले साल भी हमने इसी खेत में लगाई थी भिंडी, और आज भी हम इसी खेत में लगाने वाले हैं। भिंडी जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और पहाड़ों में ये लगाई जाती है क्योंकि अब अच्छी खासी गर्मी होना शुरू हो गई है पहाड़ों में, तो हम इसको डायरेक्टली अब खेत में लगा सकते हैं। अगर हम बात करें, आज है मार्च 24 और आज हम भिंडी लगाने वाले हैं। भिंडी लगाने के लिए मैंने इस खेत को 3-4 दिन पहले ही गुड़ाई की थी, 2-3 बार इसे गुड़ाई की है, और इसमें मैंने गोबर भी मिलाया, जो देसी गोबर होता है ना, ये देखो आप, इसमें मिलाया हुआ है, वो अच्छी तरह में इसमें मिल गया है, वो सारा अब हमने इसमें मिला दिया है। शाम का वक्त हो चुका है, दोपहर को बहुत गर्मी रहती है तो इसलिए दोपहर को नहीं लगा सका, अभी शाम को आया हूँ लगाने के लिए। और लगाने के लिए साथ में मैंने बीज भी लाया है, बीज को मैंने कल रात को भिगोया था, और भिगो के इस काले लिफाफे में रख दिया था। काले लिफाफे में क्योंकि जो इसमें गर्मी ज़्यादा रहती है, और आप देख सकते हो जो बीज है अब इसमें जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा जो जर्मिनेट हो गया, यानी कि अंकुर निकल चुके हैं, अंकुर निकल गए हैं, तो अब इसको हम लगा सकते हैं। अगर थोड़ा और लेट हो जाएंगे इसको लगाने में तो ये अंकुर बड़े हो जाएंगे, फिर लगाते वक्त क्या हो जाता है कि वो अंकुर टूट जाते हैं, और अगर वो टूट जाएंगे तो उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी उनमें लगाने में, या फिर वो जर अच्छी तरह उग नहीं पाएंगे, ख़राब हो जाते हैं ऐसे बीज। खेत कर लिया मैंने सेट, अब इसमें मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी मदद से, इसको ऐसे पंजाल बोलते हैं, पर दांते भी बोल सकते हैं आप इसको, कुछ भी है, जिसको इसके दांत जैसे होते हैं, तो इसकी मदद से मैं सबसे पहले इसको खेत को करूँगा लेवल। लेवल करने के बाद उसके बाद क्या करूँगा मैं, इस खेत में मैं इसकी मदद से, गेंती बोला जाता है इसको, तो इसकी मदद से मैं इसमें छोटी छोटी नालियाँ निकालूँगा, और उन नालियों में जो नालियाँ होंगी वो हमारी 2 से 3 इंच ही गहरी होंगी, और उनमें फिर हम मैं एक एक करके जो बीज लगाऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, तो फिर इसको पूरी तरह वीडियो को देखें। दोस्तों, करते हैं लेवलिंग का काम शुरू। इसकी मदद से हम करेंगे, देखते जो आप कर रहे हैं लेवल, आपको साथ में पकड़ देना कैमरे से, आपको वीडियो पूरी तरह दिखाने लगता है, किसी भी काम नहीं होता। खेत जो है वो बराबर रह सके, खेत अगर बराबर रहेगा तो बारिश का पानी जो है वो हर पौधे तक बराबर बन जाएगा।
आप देख रहे हो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से हमें खेत को क्या करना है, लेवल करना है सारे खेत को। ये पूरा का पूरा खेत जो पूरा लेवल करेंगे इसको। बने रहो वीडियो में, करता हूँ मैं पूरा लेवल तब तक। तो दोस्तों खेत को लेवल करके हमने इसमें अब नालियाँ भी निकाल दी हैं छोटी छोटी करके, आप देख रहे हो। ये देखो कितनी छोटी छोटी ये नालियाँ निकाली हमने। नालियों की जो दूरी है ना आपस में, ये हमने 1 से 1.5 फीट दूरी रखी है। इसलिए रखी है ताकि जब पौधे निकलेंगे ना भिंडी के, तो उसमें हम उसको गुड़ाई कर सके अच्छी तरह। आप देख रहे हो, ये देखो आप, अच्छे तरीके से मैंने इसमें नालियाँ निकाल दी हैं। अब मैं लगाने वाला हूँ इसमें बीज। तो बीज मैंने ले लिए हैं थोड़े थोड़े करके, इसमें मैं रखता जाऊँगा। ये देखो आप, मैं लगा रहा हूँ इसमें। एक एक करके ही लगाऊंगा और इनको थोड़ा थोड़ा दूर ही रखूंगा आपस में। ज़्यादा गहरा भी नहीं लगाना चाहिए बीज, उससे होता क्या है कि अगर कभी कोई बारिश हो जाएगी तो बारिश होगी तो इसमें थोड़ा सा गीलापन आ जाएगा मिट्टी में, जिससे क्या हो जाता है, ये भिंडी का बीज जो है जल्दी सड़ जाता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही लगाते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं लगाते हैं, 2 से 3 इंच गहरा ही लगाते हैं इसको हम। बीज ख़त्म हो गया और ले लेता हूँ। इसमें होता है कुछ बीज इसमें लगता भी है, कुछ नहीं लगता। पैकिंग सामान होता है, क्या पता इसमें कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, लगा के ही पता चलता है। बीज लगाने का काम हो गया पूरी तरह कंप्लीट, थोड़े से बीज बच चुके हैं, वो कुछ मैंने इस तरफ लगाने हैं, वो मैं कल ही लगाऊंगा क्योंकि शाम को अंधेरा बहुत होने वाला है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उसके बाद इसको मैं इसको इन खालियों को मैं जो नालियाँ मैंने निकाली हैं इसको इसी की मदद से पंजाल की मदद से मैं कर देता हूँ ऊपर से साफ़ कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह से,
सारी नालियों को मैं इस तरह से ऊपर से साफ कर दूंगा। बाकी को कर दूंगा और फिर ऐसे ही सबको हमने कर देना है, साफ कर देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी, कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। ये देखो दोस्तों, ये फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब पूरे खेत में हमने भिंडी लगा दी है सारी की सारी, देख सकते हो आप। अब 2 से 3 दिन तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे।